गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर 12th, टाइम एंड मोशन ऑफ क्लास 7th. सो इन माई प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड पीरियडिक मोशन फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो इन दिस वीडियो वी विल डू एन एक्टिविटी टू शो द कॉन्स्टेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. सो इन दिस एक्टिविटी एम टू शो द कॉन्स्टेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. देखिए, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जो सिंपल पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन करता है. ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो खुद को क्या करता है, रिपीट करता है इन्हें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, वो मोशन जो खुद को रिपीट करे. फॉर एग्जांपल, आपकी क्लॉक है, ठीक है, आपको पता है आज 1 बजा है तो कल भी 1 बजेगा. आपको ये भी पता है कि दोनों में ये जो दोबारा रिपीटेशन है इसमें कितना वक्त लगेगा. ठीक है, सनराइज़ और सनसेट है, अर्थ के रिवॉल्यूशन और रोटेशन से सीजन्स आते हैं, सनराइज़ होता है, सनसेट होता है. तो ये क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या खुद को रिपीट कर रहा है ये इवेंट. ठीक है ना, तो अब हम इस एक्टिविटी से ये जो टाइम की कॉन्स्टेंसी है ये हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, शो करेंगे. ठीक है, मटेरियल्स नीडेड, स्ट्रिंग कट 2 पीसेस, वन अबाउट 30 सेंटीमीटर एंड सेकेंड अबाउट 60 सेंटीमीटर, ए स्मॉल स्टोन, ए टेबल, ए थिक रूलर, फुट रूलर, ए फ्यू थिक बुक्स एंड ए स्टॉप वॉच. अब अपन को क्या क्या लेना है, एक छोटा सा पत्थर लेना है, एक टेबल लेना है, एक फुट रूलर लेना है और कुछ मोटी किताबें लेनी है और एक स्टॉप वॉच लेनी है. अगर स्टॉप वॉच नहीं हो तो आप अपने फ़ोन में भी स्टॉप वॉच को क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं. ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग लिया है और उसे 2 पीसेस में काट दिया है. एक तो 30 सेंटीमीटर लंबा काटा है और एक 60 सेंटीमीटर लंबा काटा है. मैथड, फर्स्ट पॉइंट, टाई द स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, टाई द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू वन एंड ऑफ द रूलर. अब देखिए, आप इस एग्जाम इसमें देखिए, फिगर में ये टेबल दे रखी है ना, इसमें टेबल के अंदर क्या है, स्ट्रिंग दे रखा है, रूलर दे रखा है, ऊपर बुक्स रखी हुई हैं टेबल पे और नीचे क्या है, जो स्ट्रिंग है उससे क्या पत्थर को बांध रखा है. तो हमने क्या करा, जो स्ट्रिंग लिया उससे एक सिरे से तो हमने पत्थर को बांध दिया. ठीक है, स्टोन को क्या करा, टाई अप कर दिया और जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड था उससे क्या करा, हमने रूलर को टाई अप कर दिया. ठीक है, और उस रूलर को क्या करा हमने, सेकंड पॉइंट, प्लेस द रूलर ऑन द एज ऑफ द टेबल टॉप एंड प्लेस सम बुक्स ऑन द रूलर सो दैट इट डज नॉट फॉल, मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग इज़ फ्री टू स्विंग, वी हैव ए पेंडुलम. अब हमें क्या करना है, ये हमने एक सिंपल पेंडुलम बनाया है घर में. हमने क्या करा, जब स्ट्रिंग को रूलर से बांधा, उस रूलर के दूसरे एंड को क्या करा हमने, किताबों के नीचे दबा दिया. ठीक है, जिससे क्या हो, उस पत्थर की वजन से वो जो स्केल रूलर है वो गिर नहीं जाए. ठीक है, और हमें ये भी देखना है, जो पत्थर हमने, जो स्टोन हमने बांधा है स्ट्रिंग के थ्रू, वो फ्रीली स्विंग करे. ठीक है ना, आराम से स्विंग कर सके. थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेस द स्टोन स्लाइटली, यू विल सी दैट इट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, यूज़ द स्टॉपवॉच टू मेजर द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू कम्प्लीट 10 ऑस्किलेशंस. अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, यानी उसको हल्का सा धक्का देना है, या जिसे आप झूला देते हो ना अपने फ्रेंड्स को, वैसे हल्का सा उसको स्विंग करना है. अब हम क्या देखेंगे कि जो पत्थर है वो स्विंग करेगा, झूलने लगेगा आगे पीछे आगे पीछे. अब हमें स्टॉपवॉच से क्या करना है, हमें एक तो सबसे पहले उस जो स्टोन है उस पर हमारी नज़र रखनी है, बिल्कुल उसको केयरफुली एग्जामिन करना है. ठीक है, और स्टॉपवॉच का स्टार्ट कर देना है. जैसे ही हम उसको डिस्प्लेस करें उस स्टोन को, जैसे उसको स्विंग कराएं, हमें स्टॉपवॉच अपनी ऑन कर देनी है और हमें ये देखना है कि उसने जो 10 ऑस्किलेशन करें, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑस्किलेशन क्या होता है. ठीक है, जो पेंडुलम है, यानी आप जब एक बच्चा स्विंग करता है झूले पर फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी प्लेस से क्या करता है, पहले आगे जाएगा, फिर दोबारा पीछे आन के दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट करा था. तो ये एक ऑस्किलेशन कहलाता है. तो ऐसे ही अपन को क्या करना है, 10 ऑस्किलेशन देखने हैं कि कितने टाइम पीरियड में इस पत्थर ने 10 ऑस्किलेशन कम्प्लीट करे. ठीक है, टेक एनी वन पॉइंट टू एक्सट्रीम पोजिशन, द पॉइंट इन द स्विंग वेयर द स्टोन चेंजेस डायरेक्शन, यानी जो इनिशियल पोजिशन, ये बोलना है आप कोई सा भी एक पॉइंट है ना, मान लीजिए एक्सट्रीम पोजिशन, यानी उसकी स्टार्टिंग पोजिशन बना दीजिए उस पॉइंट को. ठीक है, और द मेन पोजिशन पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द स्विंग पाथ एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टोन पासिस दिस पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, एक तो हमने मेन एक्सट्रीम पोजिशन बना दी, एक मेन पोजिशन बना दी, और अब हमें नंबर ना टाइम भी अपने मेजर आउट करते रहना है, देखते रहना है, और क्या करना है, काउंट उसका ऑस्किलेशन भी देखना है, उसको एग्जामिन करना है, और नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टोन पासिस, यानी नंबर ऑफ टाइम्स से क्या हुआ, वही एक ऑस्किलेशन कहलाया कि इन दो पोजीशन पे कितनी बार स्टोन पास आउट करा, स्टोन ने पास आउट किया, ये क्या है, ऑस्किलेशन है. हमें ये भी देखते रहना है,
सेम डायरेक्शन में और इन पोजिशन पर पहुँचने वक्त और छोड़ने पे उसने कितना टाइम लिया। फोर्थ, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 5 times विदाउट चेंजिंग द अरेंजमेंट। अब हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को 5 times करना है, अरेंजमेंट वैसा का वैसा रखना है, चेंज नहीं करना। बट मेक श्योर दैट ईच टाइम यू डिस्प्लेस द स्टोन स्लाइटली मोर देन द प्रीवियस टाइम। अब हमें क्या करना है कि जो पहले जब हमने स्टोन को स्विंग कराया था, हमें उससे थोड़ा और उसको तेज़ी से क्या करना है, स्विंग कराना है, थोड़ा और पावर में उसमें फोर्स एक्सर्ट करना है। ठीक है, एंटर योर डाटा इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, हमें क्या करना है, अब जो भी हम डाटा हमें कैलकुलेट करेंगे, हमें उसको नीचे जो टेबल दे रखी है, SI नंबर, टाइम फॉर 10 ऑस्किलेशन इन सेकेंड, टी सेकेंड्स, और क्या है, टाइम टेकन फॉर 1 ऑस्किलेशन, ठीक है, -10 seconds. तो हमें ये क्या करना है, टाइम टेकन नोट कर लेना है कि ना 10 ऑस्किलेशन करने में कितना टाइम लगा और 1 ऑस्किलेशन करने में कितना टाइम लगा इस स्टोन को। फिफ्थ पॉइंट, टेक अनदर स्मॉल स्टोन विच इज़ ऑफ ए डिफरेंट मास देन द फर्स्ट वन एंड रिपीट द एक्टिविटी फॉर द सेम स्ट्रिंग लेंथ। अब हमें क्या करना है, हमें यही एक्टिविटी दोबारा करनी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टोन पहले लिया था ना उसको चेंज कर देना है और थोड़ा हैवी स्टोन लेना है। सिक्स, रिपीट द एक्टिविटी विद द सेम स्टोन फॉर अनदर स्ट्रिंग ऑफ गिवन ऑफ ए डिफरेंट लेंथ एंड एंटर द डाटा इन अनदर टेबल सिमिलर टू द वन अबव। स्टडी द नंबर्स दैट यू एंटर्ड इन द टेबल क्लोजली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें क्या करना है, अभी तो हमने स्टोन चेंज करा था, ठीक है, हमने हैवी स्टोन ले लिया था लाइट की जगह। अब हमें क्या करना है, लाइट स्टोन लेना है या हैवी स्टोन ही रखना है, लेकिन जो स्ट्रिंग से हमने, जो डोरी से हमने स्टोन को, रूलर को बांध रखा है ना, वो दूसरी ले लेनी है जिसकी लंबाई उससे ज़्यादा हो। ठीक है, या तो कम हो या ज़्यादा हो। अब हमें क्या करना है, दोनों के ही डाटा क्या करना है, मेजर करते रहना है, नोट करते रहना है अपनी कॉपी में, और फिर हमें जो डिफरेंस आए उसे ऑब्जर्व करना है, देखना है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, इफ़ यू लुक केयरफुली एट द रिजल्ट्स दैट आर टेब्यूलेटेड यू विल फाइंड दैट द पेंडुलम हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम क्या कह रहे हैं, जो भी हमने ना रिजल्ट्स को टेब्यूलेटेड किया, लिखा, टेबल के अंदर लिखा, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे पेंडुलम के। द टाइम पीरियड, फर्स्ट पॉइंट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द बॉब इज डिस्प्लेस्ड। द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब यूज्ड विदिन रीजनेबल लिमिट्स। द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द ग्रेटर इज द टाइम पीरियड। अब वो क्या कह रहा है, जो पहला पॉइंट है, जो पेंडुलम था उसका, वो बॉब क्या कहते हैं, हमने किस एक्सटेंट पे बॉब को, इस पर डिपेंड नहीं करता, आप उसको धीरे से धक्का करो, पुश करो या तेज़ करो। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है टाइम की, वो किस पे डिपेंड करती है, जो हमने स्ट्रिंग ली है, जितनी लंबी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा जो नीचे हमने स्टोन बांधा था उसे डिस्टेंस कवर करने में, एक्सट्रीम पोजिशन और मीन पोजिशन में आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ना ही मास उसके वेट से अपन को फ़र्क पड़ेगा, ना ही हमने किस एक्सटेंट से उसको धक्का दिया आगे की तरफ, स्विंग कराया, इससे डिपेंड, इस पर क्या होगा, डिपेंड नहीं होगा। लेकिन डिपेंड किस पे होगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जिस स्ट्रिंग से हमने बॉब को बांधा था, स्टोन को बांधा था, ठीक है ना, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी स्ट्रिंग की, धागे की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा उसको स्विंग करने में। द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये जो डिस्कवरी की गई है कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसके स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, ना कि उसके वेट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंडुलम्स इन क्लॉक फॉर टाइम कीपिंग इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ क्लॉक्स ट्रिमेंडियसली। ठीक है ना, तो इसी ने क्या करा, अब आप देखिए इस लेंथ, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, अब हमारी जो क्लॉक्स होती हैं घर में, उसके अंदर जो उसके हैंड्स होते हैं क्लॉक्स के, जो वो भी तो ना डिफरेंट ना लेंथ के होते हैं, कुछ छोटे हाथ होते हैं, कुछ बड़े ना हैंड्स होते हैं उसके। ठीक है, जो सेकंड्स बताते हैं वो तो छोटे होते हैं, और जो ना आवर बताते हैं, घंटे बताते हैं जो हमें टाइम, वो क्या होते हैं, लेंथ में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स विच यूज़ द वाइब्रेशंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स फॉर कीपिंग टाइम आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट। जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, जो क्या यूज़ करती हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन टाइम बताने के लिए, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्यूरेट होती हैं, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में करेक्ट टाइम बताती हैं। टुडे क्लॉक्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। आज के ज़माने में क्या, क्लॉक्स वैरायटी ऑफ फंक्शन के लिए काम में ली जाती है। स्टॉप वॉचेज आर यूज्ड टू काउंट द टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ऑफ एन इवेंट। तो जो स्टॉप वॉच होती हैं, आपके फ़ोन्स में भी स्टॉप वॉच प्रेजेंट होती हैं, और अलग से भी स्टॉप वॉचेज़ अवेलेबल होती हैं, वो क्या करती हैं,
टाइम को काउंट करने में आती हैं। आपने देखा होगा कि आप रनिंग करते हो आपके स्कूल में जो प्लेइंग गेम्स होते हैं रनिंग में, तो स्टॉप जो पीटी सर होते हैं वो अपने हाथ में स्टॉप वॉच लेके खड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आप रन करना स्टार्ट करते हो वो ऑन कर देते हैं, और जैसे आप स्टॉप होते हो वो अपनी स्टॉप वॉच को भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका टाइम कैलकुलेट पता चल जाता है। टाइमर्स आर यूज टू काउंट टाइम बैकवर्ड्स, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स, वॉशिंग मशीन्स, ओवंस, अलार्म क्लॉक्स, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर सम डिवाइसेस दैट यूज क्लॉक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं, वॉशिंग मशीन हुई, ट्रैफिक सिग्नल हुए, अलार्म क्लॉक्स हुई, ये क्या करती हैं, टाइम बताती हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स हैं। सबके टाइप्स अलग अलग हैं, सबके टाइप्स अलग अलग हैं ना। वॉशिंग मशीन के अंदर आपने देखा होगा, आप आगे से उसका एक हैंड गोल सा वो स्विच होता है, उसको ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। उसकी 5, 10, 15, 20 इस तरीके की नंबरिंग डली हुई होती है। अलार्म क्लॉक्स का भी अलग रहता है, कंप्यूटर का भी अलग रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, टाइम ही बताती हैं, एक्यूरेट टाइम बताती हैं, लेकिन इनके बताने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है, टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड। अदर यूनिट्स ऑफ टाइम दैट आर कॉमनली यूज्ड आर समराइज्ड इन टेबल 12.1। तो जो भी अलग अलग यूनिट्स हैं टाइम की वो इस टेबल में दे रखी हैं। कौन सी टेबल, 12.1 में, ठीक है। यूनिट्स ऑफ टाइम देखिए, 60 सेकंड दे रखा है, 60 सेकंड मिलके क्या बनाते हैं, एक मिनट, 60 मिनट्स मिलके बनाते हैं एक आवर। अब 24 आवर मिलके क्या बनाते हैं, वन डे। 365 डेज मिलके वन ईयर बनाते हैं। 10 ईयर्स एक डिकेड बनाता है, 10 डिकेड्स एक सेंचुरी, और 10 सेंचुरीज क्या, एक मिलेनियम बनाता है, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। ये है ट्रू एंड फॉल्स आ गया। लेट्स आंसर क्या है, फर्स्ट द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। यस ट्रू है, पहले ज़माने में सनडाइल्स हुआ करते थे, वो मूवमेंट सन जो ये सेलेस्टियल बॉडीज है उन्हीं के मूवमेंट्स को करते थे, तो ये ट्रू है। द टाइम बिटवीन टू सनराइजेस कैन बी टर्म्ड एज सीजन, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। सीजन नहीं कहलाएगा, सीजन तो क्या होता है, रोटेशनल टाइम, रिवोल्यूशन टाइम होता है अर्थ का। टू सनराइजेस के बीच में थोड़ी सीजन आता है, सीजन्स में तो महीनों लग जाते हैं, ठीक है। बल्कि टू सनराइज क्या कहलाता है, डे कहलाता है। टू द टाइम बिटवीन टू सनराइजेस कैन बी टर्म्ड डे, तो सेकंड में फॉल्स आ जाएगा, सीजन नहीं आएगा। ए सनडायल यूजेस द मूवमेंट ऑफ द मून अक्रॉस द स्काई टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ द डे, नहीं ये भी फॉल्स है। सन कैलकुलेट क्या करता है वो, मून और सन दोनों ही, सनडायल में साफ दे रखा है सन, तो यहाँ पे थर्ड वाले में फॉल्स आएगा। द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ट्रू है। फोर्थ वाले में वाइब्रेशन मोशन ही कहलाता है। एटॉमिक क्लॉक्स विच यूज द वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स फॉर कीपिंग टाइम आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट, ये भी ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। अब मोशन, मोशन पढ़ेंगे हम, फास्ट एंड स्लो मोशन। यू ऑलरेडी नो दैट वैन इन मोशन, वैन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज़ सेट टू बी इन मोशन, ठीक है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अपनी डिस्टेंस को क्या करता है, ट्रैवल करता है, कवर करता है, तो क्या कहलाता है, मोशन में। यू ऑल्सो नो दैट वैन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, ठीक है ना। अब जैसे अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी पोजिशन भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। As you can see, there is a very close connection between motion and time. अब इसी से हमें क्या पता चलता है कि motion और time में बहुत ही क्या close connection है। The time it takes for an object to move from one point to another is an indication of how fast or slow it is moving. अब क्या हो रहा है, time change हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, ठीक है। तो अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएगा तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी कवर होगा, तो उससे क्या पता चल रहा है, अब हमें क्या इससे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि हाउ फास्ट और स्लो इट इज़ मूविंग, ठीक है ना, कि वो ऑब्जेक्ट कितना तेज़ या कितना धीरे मूव कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी टू स्टडी फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ही करना है, स्टडी करना है। मटेरियल्स नीडेड एज मैनी विंड अप बैटरी ऑपरेटेड टॉयज एज यू कैन गेट सच एज कार्स, एनिमल्स, डॉल्स, स्टॉप वॉच, ए लॉन्ग स्मूथ सर्फेस सच एज ए लॉन्ग कॉरिडोर इन योर स्कूल बिल्डिंग और योर हाउस, मेजरिंग टेप एंड चॉक पीस। अब हमें क्या क्या ले लेना है, कोई भी ना बैटरी ऑपरेटेड टॉय ले लेना है, ठीक है, जैसे अपने पास होते हैं कार्स वगैरह होती हैं, एनिमल्स, डॉल्स वगैरह होते हैं, एक स्टॉप वॉच लेनी है, और ये क्या करना है, आप है ना कोई लॉन्ग कॉरिडोर ले लीजिए, आपके घर के बाहर कोई हो कॉरिडोर हो, या आपकी जैसे इन योर स्कूल बिल्डिंग और योर हाउसेस में होते हैं ना बड़े बड़े कॉरिडोर्स,
एक मेजरिंग टेप लेना है और एक चॉक का पीस ले लेना है। मेथड, मार्क ए स्टार्टिंग लाइन विद ए चॉक पीस। अब हमें क्या करना है, आप ये ना एक्टिविटी को अपने रूम में भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक जो पॉइंट आपका जो रूम का एक कॉर्नर है वहाँ पर आप लगा दीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट कर लीजिए, वहाँ चॉक के पीस से क्या करिए एक मार्क कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट, मेजर ए कन्वीनियंट लेंथ यूजिंग द मेजरिंग टेप लाइक 5 मीटर और 10 मीटर एंड मार्क द फिनिशिंग लाइन। ठीक है, अब आप क्या लीजिए, टेप्स वगैरह होते हैं, हमने देखे थे टेप्स कैसे होते हैं, मेजरिंग टेप्स, उससे लीजिए और 5 या 10 मीटर तक की क्या करिए एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ईच ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स टेक टर्न्स टू प्लेस ए टॉय ऑन द स्टार्टिंग लाइन, विंड अप, स्टार्ट द टॉय एंड यूज़ द स्टॉपवॉच टू मेजर द टाइम इट टेक्स टू रीच द फिनिशिंग लाइन। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने मार्क करी थी आपके रूम में या आपके कॉरिडोर में, वहाँ से क्या करना है, टॉय को रख देना है, बैटरी वाले टॉयस को, ठीक है, या हवा से जो चलते हैं उन्हें, अब उन्हें क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। अब हमें देखना है कि जो वो फिनिशिंग लाइन तक कितनी देर में ट्रैवल करते हैं, मोशन करते हैं। राइट डाउन योर मेजरमेंट्स इन ए टेबुलर फॉर्म एज शोन बिलो। 5th पॉइंट है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो टेबल दे रखी है, सबसे पहले यहाँ पे टॉय के नाम लिखने और उन्होंने उस फिनिशिंग लाइन को पूरा, उस लाइन को कवर करने में कितना टाइम लिया स्टॉपवॉच में हम लोग देखेंगे और वो टाइम हम इसके आगे लिख देंगे। एग्जामाइन योर रिजल्ट, विच टॉय वाज द फास्टेस्ट एंड विच वाज द स्लोएस्ट। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी टॉयज़ वगैरह लिए हैं हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा टॉय, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर की कम टाइम में वो किस टॉय ने की, और जो वही सेम डिस्टेंस सबसे कम टाइम में कौन सी टॉय ने की, वो हमें नीचे कंक्लूड कर देनी है, फास्टेस्ट टॉय, स्लोएस्ट टॉय, टाइम टेकन। ठीक है, कंक्लूजन, एज यू कैन सी द फास्टेस्ट टॉय कवर्स द सेम डिस्टेंस इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब हमने क्या देखा, डिस्टेंस तो सेम थी, ठीक है, हमने हमारा रूम लिया था या कॉरिडोर लिया था, हमने मार्क लाइन कर दी थी 5 से 10 मीटर लंबी, हमने फिर क्या करा, इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से टॉयज़ को क्या करा, ऑन करा, फिर वो क्या गए एंडिंग लाइन तक गए, फिनिशिंग लाइन तक गए, लेकिन हम क्या देखेंगे कि जो अलग अलग टॉयज़ हैं उनमें कुछ तो बहुत फास्ट हैं जिसने सेम डिस्टेंस कवर की कम टाइम में, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो ये क्या निकला, हमारा कंक्लूजन निकला। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज स्पीड। When we talk about how fast or slow an object is, we refer to its speed. अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं तेज़ या धीरे किसी ऑब्जेक्ट के चलने की या उसके ट्रैवल करने की, तो हम क्या कह रहे हैं, उसकी स्पीड बता रहे हैं, गति बता रहे हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन यूनिट टाइम। ठीक है ना, अब स्पीड क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल। और अब अभी हमने ऊपर देखा ना, एक तो हमने डिस्टेंस ली 5 और 10 मीटर और टाइम भी देखा, तो उससे हमें क्या पता चली, उस टॉय की स्पीड पता चली। वैसे ही स्पीड की डेफिनेशन है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इन इट्स यूनिट टाइम में। ठीक है ना, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स फास्ट हैज़ ए ग्रेटर स्पीड कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स स्लो। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो फास्ट मूव करते हैं उनकी क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर लेते हैं कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट दैट मूव स्लो। जो भी ऑब्जेक्ट धीरे मूव करते हैं उनकी कंपैरिजन में, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, इट मे ऑल्सो बी मेजर्ड इन अदर यूनिट सच एज किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, जिसे हम किलोमीटर पर आवर में भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ नोटिस कीजिए, अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में मीटर दे रखा है तो, और ना टाइम में अगर आवर दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए या आवर को सेकंड में चेंज कीजिए। मीटर के साथ हमेशा सेकंड वाली यूनिट ही आएगी टाइम में, और किलोमीटर के साथ हमेशा आवर वाली ही आवर ही आएगा यूनिट में। ठीक है, सो न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है अब हम इसे हमारे सेकेंड वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।